हरे कृष्णा। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपसे लगभग 11th और 12th में फिजिक्स के क्वेश्चन वेक्टर के सही होने के चांस बहुत घट जाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स ऐसी चीज़ है जो हर टॉपिक में यूज़ होती है और उसके बीच में एंगल्स बहुत ही ज़रूरी है, हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। देखो, यहां पे एक सिंपल सा तरीका रहता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का। जैसे कि अगर मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो ऐसा नहीं है कि हम इन वेक्टर्स को कैसे भी करके कैसे भी मिला देंगे तो इनके बीच का एंगल से निकल जाएगा। नहीं, एक स्टैंडर्ड रूल है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो हमें क्या करना है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताई थी ये बात कि आप एक वेक्टर को उसके पैरेलली कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, जब तक आप उसका डायरेक्शन और उसकी लेंथ को नहीं बदल रहे। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप पहले दोनों वेक्टर्स जिनके बीच में आप एंगल निकालना चाहते हो, दोनों की टेल्स को ज्वाइन करो। तो भाई, इसकी टेल हो गई ये और इसकी टेल हो गई ये, तो दोनों की टेल्स को ज्वाइन करो। तो ए वेक्टर को हमने ऐसे ही रहने दिया और बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके लेके आए यहां पे, तो पैरेलली शिफ्ट करके लेके आए तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, अभी कोई कहेगा कि सर दो एंगल बन गए, एक तो ये हो गया थीटा और एक इस तरफ से हो गया जो हो गया 360 माइनस थीटा, करेक्ट। तो इनमें से कौन सा एंगल है, उसके लिए भी रूल है। उसके लिए रूल है कि जो एंगल द स्मॉलर एंगल बिटवीन और लेस देन 180 डिग्री देन विल बी द एंगल बिटवीन देम। जो एंगल छोटा है इन दोनों में से, या फिर मैं एक सेंस में कहूं जो भी इनमें से 180 डिग्री से कम है, उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है जॉइन देयर टेल्स, और जैसे ही टेल ज्वाइन की उसके बाद आपको दो एंगल्स मिलेंगे, स्मॉलर विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम ऐसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, सिंपल सा एग्जांपल कि ये एक इस तरीके की ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक ये ए वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है, एक ये सी वेक्टर है। ये एंगल मान लिया हम लोगों ने 120 डिग्री है, ये एंगल मान लिया हम लोगों ने 30 डिग्री है, ये भी एंगल मान लिया 30 डिग्री है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप सोल्व करो। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और तीसरा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके और किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो पहले पहला देखो रूल क्या कहता है, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल नहीं है, ये गलत आंसर है। अगर आप सोच रहे हो कि ए और बी का एंगल 120 डिग्री है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है पहले दोनों की टेल्स को ज्वाइन करो। और हम बी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कब तक शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक आप उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को ना बदलो। तो हम क्या कहेंगे, हमें कहेंगे कि अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस बी को जब आप उठा के ए की टेल पे रखोगे तो ए तो अभी भी हॉरिजॉन्टल एज इट इज, ठीक है, और बी को जब आप लेके आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो जो दोनों की टेल्स ज्वाइन करने के बाद जो उनके बीच में एंगल बना, ये बना 60, ये बनेगा 300, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर उसके बाद ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर ऐसा है। पहला स्टेप, दोनों की टेल ज्वाइन करो। हमने देखे सर ऑलरेडी दोनों की टेल ज्वाइन है, इसका मतलब जो उनके बीच का एंगल वही अपना आंसर कितना हो गया, ये 30 डिग्री। ठीक
दूसरा एंगल क्या हो सकता था इनके बीच में, ये, लेकिन वो 180 से बड़ा हो जाता, हम नहीं लेंगे उसको। तीसरा क्या है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा देखो, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, दोनों की अभी टेल ज्वाइन करनी, लेकिन क्या ज्वाइन है, हेड ज्वाइन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देखो इस बी को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाके रख देते हैं, ऐसे यहां पे ले जाके रख दिया मैंने बी को, ठीक, उसकी कोई भी डायरेक्शन में चेंज है नहीं, और सी को भी उसी की लाइन के अलोंग ऐसे ले जाके रख दिया, ये करेक्ट। तो उनके बीच में बी एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 था तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री। तो यहां से बी और सी के बीच का एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहली चीज जिस चीज पे फोकस करना है वो ये कि हम दोनों की टेल्स ज्वाइन करेंगे, डायग्राम पे मत जाना, अपनी तरफ से पहले उनके प्रॉपरली टेल ज्वाइन करना, नहीं तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।